हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ मर्जी। तो पहले आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या मेंशन किए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी थिंक्स दैट अ शेयर होल्डर्स ऑलवेज लुक फॉर द अर्निंग पर शेयर, देयरफॉर ही कंसीडर्स अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस एज अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव। द कंपनीज करंट नेट प्रॉफिट ₹80 लाख एंड प्राइस अर्निंग मल्टीपल 10.5, करंट मार्केट प्राइस है ₹42। सो ही वांट्स टू बाय अनदर फर्म विच हैज करंट इनकम ऑफ 15.75 लाख, प्राइस अर्निंग मल्टीपल 10 एंड मार्केट प्राइस है 105। क्विक मीन्स एक आपको ये है कि प्राइजिंग कंपनी है, अब ये कंपनी एक किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, तो उसका भी क्या किया है। सो वट विल बी मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो विच इज चीफ एग्जीक्यूटिव शुड ऑफर सो डेट ही कुड कीप ईपीएस एट करंट लेवल। तो आपको बताना है कि कितनी एक्सचेंज रेशियो होनी चाहिए कि आपकी ईपीएस जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। तो डेटा बनाते हैं क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन आपको ये है, वन इज एक्वायरिंग कंपनी, उसका ऐसे नेम हमें मेंशन नहीं किया है। सेकंड है एक आपकी टारगेट कंपनी। एक्वायरिंग कंपनी का देखो आपको डेटा दे रखा है, नेट प्रॉफिट लिए हैं कंपनी के, रुपीज हमारे चल रहे हैं लैक्स में, रुपीज आ रहे हैं लैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट आर गिवन ₹80 लाख ऑफ एक्वायरिंग कंपनी एंड प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज 10.5, जिसके प्राइस अर्निंग रेशियो दी है आपको जिसे 10.5 एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन, एमपीएस इज गिवन, जिसे जो ₹42। सिमिलरली नाउ वी वांट टू एक्वायर अनदर फर्म, उसका भी डेटा दिया है, इट मीन्स टारगेट फर्म, उसके प्रॉफिट हैं 15.75 लाख एंड प्राइस अर्निंग रेशियो 10, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 105। तो फर्स्ट को आपको कैलकुलेट करनी है, बट शुड बी अवर एक्सचेंज रेशियो सो दैट ईपीएस इज नॉट अफेक्टेड। तो पहले देखते हैं ईपीएस कितनी है हमारी। अब एमपीएस का जो फार्मूला होता है आपका ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो, तो एमपीएस भी किया है, प्राइस अर्निंग रेशियो भी है, तो इसमें ईपीएस कैलकुलेट हो जाएगी। ईपीएस बन जाएगी एमपीएस डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। उस केस में देखिए एमपीएस है 42/10.25 एंड किसी 105/10 किसी 10.5, ये रुपीज में आ जाएगी आपकी पर शेयर। सो हेयर वी हैव फर्स्ट केस में है 42/10.5 किसी कमिंग 4 times, 4 rupees ईपीएस है, रुपीज में आ जाएगी 4। तो अब आपको कैलकुलेट करना है वट विल बी पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो ईपीएस जिसे जो आफ्टर मर्जर ऑफ एक्वायरिंग एंड टारगेट कंपनी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों के लेंगे प्रॉफिट्स 80+ this 15.75 डिवाइड के लिए नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन मर्जर, नंबर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी देखो कितने हैं आपके। अब नंबर ऑफ शेयर भी आपके मिसिंग है। ईपीएस का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, उससे आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। तो एक नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर आर इक्वल टू प्रॉफिट कितने हैं कंपनी के डिवाइडेड बाई ई पी एस। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट है 80 डिवाइडेड बाई ई पी एस है आपकी 4, इट मीन्स 20 लाख शेयर। सेकेंड केस में प्रॉफिट्स हैं 15.75 और ई पी एस है आपकी 10.5, इससे भी आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 15.75/10.5 1.25, ये आपके लैक्स में आ गए, प्रॉफिट भी आपके लैक्स में है। तो इट मीन्स वट विल बी ई पी एस आपका मर्जर, नंबर ऑफ शेयर बिफोर मर्जर 20 है, और उसको कितने शेयर हम इशू करेंगे, उसकी एक्सचेंज रेशो मिसिंग है, या फिर भी एक्सचेंज रेशो इनकू नंबर ऑफ शेयर 1.5 लाख। दिस विल बी ई पी एस आफ्टर मर्जर एंड दिस ई पी एस शुड बी एट लीस्ट 4, इट शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 4। इट मीन्स ये आपकी आ जाएगी पोस्ट मर्जर ई पी एस जो है वो प्री मर्जर ई पी एस के इक्वल होनी चाहिए कम से कम।
उसको सोल्व करके तो उससे आपकी एक्सचेंज रेशियो जो है वो डिटरमिन हो जाएगी। तो आप देखिए लेफ्ट साइड में न्यूमेरेटर आपका बन रहे हैं 95.75, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 × 20 = 80 प्लस 1.5 × 4 = 6 एक्सचेंज रेशियो, तो इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा एक्सचेंज रेशियो। अब ये देखो 80 इधर जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो ये जो है आपका लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू, तो 95 - 80 15.75 डिवाइडेड बाई 6। तो आपकी जो एक्सचेंज रेशियो होनी चाहिए वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 6 2.625। इट मीन्स ये आपके आगे मैक्सिमम आपको इतने शेयर इशू करने हैं, इससे ज़्यादा इशू नहीं करने हैं। अब एक सेकंड बैंक और पूछा है इन्होंने, इफ चीफ एग्जीक्यूटिव बोरोड फंड्स एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बाय द आउट एनदर कंपनी बाय पेइंग कैश। अब है कि देखिए एक्वायरिंग कंपनी मनी बोरो करके टारगेट कंपनी को पेमेंट कर रही है कैश में इंस्टेड ऑफ इशूइंग शेयर्स, देन हाउ मच कैश शुड ही ऑफर पर शेयर टू टारगेट फर्म, तो आपने कितना कैश पे करना है टारगेट फर्म को पर शेयर बेसिस पे टू मेंटेन है जो EPS कि हमारे 100 गए तो EPS जो है आपकी वो सेम रहे 4 रुपीज जो पहले की आपकी। टैक्स रेट है आपका 30%, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उस केस में क्या होगा जब आप मनी बोरो करोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, को इंटरेस्ट और उसके ऊपर टैक्स सेविंग भी मिलेगी, तो उससे हमारा जो प्रॉफिट है आपका मर्जर उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका फार्मूला बनाते हैं, तो आपको EPS दिया एक्वायरिंग कंपनी की जो बिफोर मर्जर है वो है हमारी 4 रुपीज़ 4, तो इस EPS को हमने मेंटेन करना है। उसके लिए हमें जूम करते हैं लेट जो टोटल अमाउंट आप बोरो करेंगे, टोटल अमाउंट बोरोड जैसे जो ए, अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना है जितने आप बोरो करेंगे, तो ये कैलकुलेट करके हैं कि कितना बोरो करेंगे हम, यानी व्हाट विल बी EPS ऑफ ए बी आफ्टर मर्जर। उसका फार्मूला है दोनों के प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, पर वो प्रॉफिट्स आपको मेंशन किए हैं इधर ऑलरेडी आफ्टर टैक्स इनकम जो होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते हैं। तो आप देखिए उसका फर्म का प्रॉफिट है 80, टारगेट फर्म क्या है 15.75, इसमें से माइनस लीजिए अब आप जो इंटरेस्ट पे करोगे उसको भी आफ्टर टैक्स बना लीजिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोरोइंग का 15%, तो इट मीन्स अब हम इंटरेस्ट पे करेंगे 15% ऑफ ए, इसको बनाया मैंने आफ्टर टैक्स इनटू 1 - टैक्स रेट, तो इट मीन्स ये हमारे प्रॉफिट्स आ जाएंगे आफ्टर मर्जर इफ वी बोरो मनी। अब आपने ये को पेमेंट कर दी कैश में मनी बोरो करके, इट मीन्स अब टारगेट कंपनी को हम कोई शेयर इशू नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो सेम रहेंगे जो एक्वायरिंग कंपनी के हैं, तो डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर ऑफ एक्वायरिंग कंपनी, तो ये भी हमने कैलकुलेट किए थे 20 / 20 लाख एंड दिस शुड बी इक्वल टू EPS जो है आपकी 4 रुपीज। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके उससे ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो किसी बिकमिंग 95.75 माइनस किसी 0.15 × 0.7 जैसे 0.105 A इज इक्वल टू 20 × 4 = 80, सो दिस विल गो हेयर एंड 80 विल कम हेयर, इट मीन्स 0.105 A इज इक्वल टू 15.75, उससे अमाउंट आ जाएगा जो आपको बोरो करना है ए 15.75 डिवाइडेड बाय 0.105, तो 15.75 डिवाइडेड 0.105 जैसे कमिंग ये रुपीज में आ रहा है 100 और जैसा आपका कह रहा है लैक्स में, तो 150 लाख आपको मनी जो है वो बोरो करनी है, तो बोरो करके ये अमाउंट हम पे कर देंगे टारगेट कंपनी को। अब आप देखिए उनको कितना कैश मिलेगा, कैश पेड पर शेयर टू टारगेट कंपनी जैसे इक्वल टू टोटल जो कैश आपने पे करना है टोटल कैश टू बी पेड, उसको आप डिवाइड कीजिए बता नंबर ऑफ शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, नंबर ऑफ शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, अब टोटल कैश है आपका 150 लाख और उसके नंबर ऑफ शेयर के लिए को हमने कैलकुलेट किया 1.5 लाख, तो इट मीन्स वी विल पे ₹100 per share, वो 100 per share आपको कैश पे करना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, अब ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट लेके प्रॉब्लम नंबर 4, इसमें देखिए आपको क्या क्या मेंशन किया है, कंपनी एक्स जो कंप्लीटिंग परचेज कंपनी वाई, तो एक्स ने वाई का बिजनेस कैलकुलेट करना है, एक्स है कि 3 लाख शेयर्स हैविंग मार्केट प्राइस ₹30 per share, वाई है कि 2 लाख शेयर्स सेलिंग एट ₹20 per share, EPS आर 4 और 2.25 फॉर कंपनी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली,
गो कंपनीज हैं, एक्स ने वाई को टेक ओवर करना है और उनका डाटा आपको दिया है। मैनेजमेंट को वो का कंपनी आर डिस्कसिंग टू अल्टरनेटिव प्रपोजल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स एट इंडिकेटेड बिलो। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो शेयर किस तरीके से आपने इशू करने हैं। नंबर वन, इन प्रपोर्शन टू रिलेटिव ईपीएस ऑफ टू कंपनीज, एंड सेकेंड ऑप्शन है 0.5 शेयर ऑफ एक्स फॉर 1 शेयर ऑफ वाई। सो यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट ईपीएस ऑफ मर्जर एंड गेट टू अल्टरनेटिव। तो दोनों पॉसिबिलिटीज में हमें ईपीएस कैलकुलेट करनी है एंड शो द इम्पैक्ट ऑन ईपीएस फॉर शेयर वगैरह टू कंपनी एंड गेट बोथ द अल्टरनेटिव, और उसका ईपीएस पर क्या इफेक्ट होगा वो आपने एक्सप्लेन करने है। तो लेट अस सी डाटा इज गिवन, कंपनी आपको मेंशन की है, मनी एक्स एंड वाई, उनका डाटा हमें मेंशन किया है नंबर ऑफ शेयर्स, वो एक्स इक्वल टू 3 लाख एंड फर्दर इक्वल गिवन हैविंग मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एम पी एस दिस इज रुपीज 30 पर शेयर, वाइल वाई है 2 लाख शेयर्स एंड मार्केट प्राइस इट इज सेलिंग एट रुपीज 20 पर शेयर। यानी ई पी एस इज ऑल्सो गिवन अर्निंग पर शेयर, यह भी आपको दी है रुपीज में, जिसे जो 4 and 2.25 जिसे डाटा है जो गिवन। तो अब आपको पहले कैलकुलेट करनी है एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन ई पी एस। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम, व्हेन एक्सचेंज रेशो इज बेस्ड ऑन ई पी एस, उस केस में आपको एक्सचेंज रेशो क्या होगी आपकी ई पी एस ऑफ टारगेट कंपनी विच इज वाई अपॉन ई पी एस ऑफ अक्वायरिंग कंपनी ऑफ एक्स। टारगेट की है 2.25 डिवाइडेड बाई 4, सो दिस विल बी एक्सचेंज रेशो। तो 2.25 अपॉन 4, 0.5625। अब हम शेयर इशू करेंगे, फॉर एवरी वन शेयर वी विल इशू 0.5625 शेयर। आपने देखना है अब इसके बेस पर आपकी ई पी एस क्या होगी, ई पी एस आफ्टर मर्जर ऑफ एक्स वाई, उसका फार्मूला है बटर टोटल प्रॉफिट ये हो कितने हैं, टोटल प्रॉफिट आएंगे नंबर ऑफ शेयर इंटू ई पी एस। तो टोटल जो अर्निंग्स हैं इसकी 3 लाख इंटू 4 प्लस 2 लाख इंटू 2.22, ये दोनों कंपनी के प्रॉफिट हमने ऐड कर दिए, ये पाएंगे ये प्रॉफिट आपके मर गए। और कितने शेयर अब हम इशू करेंगे, इसके जो नंबर ऑफ शेयर हैं 3 लाख ही रहेंगे। अब इसने शेयर इशू किए हैं उनको इस एक्सचेंज रेशो में, तो 0.5625 इंटू नंबर ऑफ शेयर हैं इसके 2 लाख। तो टोटल जो प्रॉफिट आ गया आपके 2 into 2.25 प्लस 3 into 4 12, 16 लाख 50 हो गए। जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके बदले हैं 2 lakh into 0.5625 प्लस 3 लाख 4 lakh 12,500। सो ई पी एस आपके मर्जर आ रही है आपकी 16 lakh 50 thousand डिवाइडेड बाई 4 lakh 12,500 जिसे 4 रुपीज। अब इसको कंपेयर कीजिए उससे जो पुरानी ई पी एस है, कितना गेन है लॉस है, गेन वी कैन कैलकुलेट गेन और लॉस इन ई पी एस। नंबर वन इज यू 4 company X, सेकेंड इज यू 4 company Y। तो एक्सरसाइज सिंपल है, हम लेंगे ई पी एस कितनी है आफ्टर मर्जर एक्स वाई की, और वक्त बाद ई पी एस बिफोर मर्जर ऑफ एक्स। आफ्टर मर्जर 4 है, पहले भी आपकी 4 थी, उसमें इसमें कोई गेन या लॉस नहीं है, जिसे 0। और वाई कंपनी के लिए हम लेंगे इक्विवेलेंट ईपीएस, इसका फार्मूला है एक्सचेंज रेशो इनटू ईपीएस ऑफ एक्स वाई, इसको कंपेयर कीजिए प्री मर्जर ईपीएस ऑफ वाई से। एक्सचेंज रेशो है आपके 0.5625, अब ईपीएस है आपकी आफ्टर मर्जर 4 माइनस पुरानी ईपीएस की 2.25, जो डिफरेंस आएगा वो गेन या लॉस आ जाएगा। जिसे 0.5625 इंटू 4 जिसे आसो 2.25 माइनस 2.25 किसी की जी। देखो लॉजिकली है, जब हमने एक्सचेंज रेशो पहले ही फिक्स किया ई पी एस के बेस पर, तो इट मीन्स आफ्टर मर्जर अब हमें ई पी एस में कोई गेन या लॉस नहीं होगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, अब आपको दिया एक्सचेंज रेशो है सेकंड केस में 0.5 शेयर ऑफ एक्स फॉर 1 शेयर ऑफ वाई। अब एक्स ने 0.5 शेयर इशू करने हैं, गेन वी हैव सेकंड केस। अब आपको एक्सचेंज रेशो मेंशन की है, एक्सचेंज रेशो ये 0.5। अब इसके बेस पे देखिए वट विल बी ई पी एस आफ्टर मर्जर ई पी एस ऑफ एक्स वाई, देखिए अर्निंग्स ऑफ एक्स एंड वाई, टोटल अर्निंग्स है 3 lakh into 4 जिसे 12 lakh, और उसकी टोटल अर्निंग बन रही है 2 into 2.25 जिसे 4 lakh 50 thousand। एंड वट विल बी नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर, एक्स के नंबर ऑफ शेयर हैं 3 लाख
वाई के आ जाएंगे, जो वाई को इशू करेंगे 0.5 इंटू 2 लैख, टोटल अनुसार 16,50,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर आपके बन जाएंगे 4 लैख। दिस विल बी अवर ई पी एस आफ्टर मर्जर, 16.5 डिवाइडेड बाई 4, 4.125। अब आपको कैलकुलेट करना है बाकी गेन और लॉस इन ई पी एस, गेन और लॉस इन ई पी एस ड्यू टू मर्जर। नंबर वन इज यू फोर कंपनी एक्स, उसका फार्मूला डायरेक्ट है, ई पी एस देखो कितनी है आफ्टर मर्जर, उसको कंपेयर करके ई पी एस ऑफ एक्स बिफोर मर्जर। आपके मर्जर है आपके 4.125, पहले की आपकी 4 रुपीज, तो इसमें गेन हो रहा है आपको, ये रुपीज में आ रहा है आपका 0.125 का आपको गेन हो जाएगा, यानी कि फॉर कंपनी वाई। तो वाई के केस में हम लेंगे इक्विवेलेंट ई पी एस आफ्टर मर्जर, तो उसका फार्मूला है एक्सचेंज रेशो इनटू ई पी एस ओफ एक्स वाई माइनस कीजिए ई पी एस ओफ वाई, एक्सचेंज रेशो है आपकी 0.5, ई पी एस आफ्टर मर्जर है 4.125 और पहले ई पी एस की आपकी 2.25, जो डिफरेंस आएगा आपका वो गेन या लॉस इनटू 0.5 माइनस 2.25, इसमें आपको लॉस हो रहा है 0.1875, दिस इज लॉस इन ई पी एस पर शेयर। तो नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 5, इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, एक्स वाई जेड इज यू कंसीडरिंग मर्जर विद ए बी सी लिमिटेड, एक्स वाई जेड शेयर्स आर करंटली ट्रेडिंग एट रुपीज 20, एक है कि कुल 50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग एंड इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स अमाउंट टू 5 लाख। तो आपको शेयर का प्राइस दिया है, नंबर ऑफ शेयर आपको लिए हैं और अर्निंग्स आपको लिए हैं। ए बी सी है जो 1,25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग, करंट मार्केट प्राइस ही कैन एंड इट्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आर 1,25,000, मर्जर विल बी इफेक्टिव बाई मीन्स ऑफ ए स्टॉक स्वैप, तो हमने शेयर इशू करने हैं स्टॉक स्वैप में, शेयर विल बी एक्सचेंज। ए बी सी लिमिटेड है एग्री को प्लान अंडर विच एक्स वाई जेड विल ऑफर का करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ए बी सी लिमिटेड के शेयर, तो शेयर हम इशू करेंगे उनका बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। तो नंबर वन कह रहा है बाकी प्री मर्जर ई पी एस एंड प्राइस एंड रेशो ऑफ बोथ द कंपनीज, तो पहले गैका बनाते हैं दोनों कंपनीज का, तो आपको गैका मैंशन किया है ऑफर टू कंपनीज, तो कंपनीज आर एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड ए बी सी लिमिटेड। तो एक्स वाई जेड जो है इट विल मर्ज विद ए बी सी, एक्स वाई जेड के शेयर का प्राइस आपको ये है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जिसे ये रुपीज 20 एंड नंबर ऑफ शेयर आर गिवन ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी जिसे ये 2,50,000 और एक आपको मैंशन किया है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे ये रुपीज, तो जिसे गिवन को भी 5 लाख। तो सिमिलर डाटा इज गिवन फॉर ए बी सी कंपनी, ए बी सी का नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1,25,000 एंड मार्केट प्राइस इज 10 रुपीज एंड अर्निंग्स आर 1,25,000। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है प्री मर्जर ई पी एस एंड प्राइस एंड रेशो, सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट, तो प्री मर्जर ई पी एस, तो ई पी एस का फार्मूला है बाकी अगर पैक अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यानी, तो आप देखेंगे एक्स वाई जेड में 5 लाख का प्रॉफिट है, उसको डिवाइड किया अपने नंबर ऑफ शेयर हैं 250, उसकी ई पी एस आ जाएगी रुपीज 2 पर शेयर, इसमें प्रॉफिट है आपका 1.25, नंबर ऑफ शेयर्स आर आल्सो 1.25, तो इसकी ई पी एस आ जाएगी रुपीज 1 पर शेयर। फिर आपको कैलकुलेट करनी है प्राइस एंड रेशो, देन वी हैव टू कैलकुलेट प्राइस अर्निंग रेशो, उसका फार्मूला है एम पी एस अपॉन ई पी एस, एम पी एस आपको यही रखा है पहले से ही 20/2 रुपीज ई पी एस, तो उसकी प्राइस अर्निंग आ गई 10 टाइम्स, उसका प्राइस है आपका 10 और ई पी एस है 1, तो उसकी भी रेशो आ गई आपकी 10 टाइम्स। तो सेकेंड ईयर आस्किंग इफ ए बी सी लिमिटेड प्राइस अर्निंग रेशो होगी 6.4 सेकेंड, अब वो कह रहे हैं कि ए बी सी की जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो आपको दी है प्राइस अर्निंग रेशो 6.4 एंड वकील मार्केट प्राइस, तो उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, इट मीन्स ई पी एस जो है वो सेम रहेगी, तो उस केस में मार्केट प्राइस आ जाएगा इसका, देखेंगे ई पी एस इंटू प्राइस अर्निंग रेशो, ई पी एस है 1 रुपये, 1 × 6.24, तो 6.4 हो जाएगा आपका रुपीज में पर शेयर, यानी वकील एक्सचेंज रेशो, तो इट मीन्स अब हमने जो शेयर इशू करने के वो करने के मार्केट प्राइस के बेस पे, इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो हमने इसको पे करनी है, तो एक्सचेंज रेशो कैलकुलेट हो जाएगी आपकी, एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर,
फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस ऑफ जैसे ए बी सी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड। अब ए बी सी का प्राइस है 6.4 और एक्स वाई जेड का प्राइस आपको दिया है 20 डिवाइडेड बाई 20, सो दिस विल बी अवर एक्सचेंज रेशो। तो इट इज 6.4 डिवाइडेड बाई 20 3 को। एंड देयर आर सो व्हाट विल बी एक्स वाई जेड पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब आपने देखना है कि पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या होगी इस एक्सचेंज रेशियो के बेस पर, तो फार्मूला अप्लाई कर रखे हैं। व्हाट विल बी ईपीएस आफ्टर मर्जर ऑफ एक्स वाई जेड एंड जो ए बी सी, या फिर भी दोनों की अर्निंग्स ऐड कर लीजिए, तो अर्निंग्स आ जाएंगी देखो पैक आपको यही रखे हैं जिसे जो 5 लाख प्लस 1,25,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर हैं इसके 250 प्लस एक्सचेंज रेशो है आपकी 30 को, तो हमने जो शेयर इशू करने हैं ए बी सी को वो हो जाएंगे 0.30 को इनको नंबर ऑफ ए बी सी 125,000। सो टोटल अर्निंग्स 625,000 और टोटल शेयर आपसे बन जाएंगे 0.30 को इनको 1,25,000, ये आ रहे हैं 40,000 प्लस जिस 290। सो दिस विल बी पोस्ट मर्जर ई पी एस 625/290। सो रुपीज 2.1552। नेक्स्ट ईयर आसमू नंबर 5 वट शुड बी एक्सचेंज रेशो इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ई पी एस आर को भी सेम। अब देखिए ई पी एस आपको सेम रखनी है, उसके बेस पे क्या आपकी एक्सचेंज रेशो होनी चाहिए नंबर 12। तो वट शुड बी एक्सचेंज रेशो ये आपकी मिसिंग है, सो क्या है जो ई पी एस आएगी आपकी जिस ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए बी सी आपके मर्जर इट शुड बी इक्वल टू ई पी एस ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए ई पी एस ऑफ एक्स वाई जेड बिफोर मर्जर, तो ई पी एस का एक फार्मूला है टोटल अर्निंग्स आ जाएंगे ए और बी की 5 + 1.25 जिसे 625,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे आफ्टर मर्जर, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड हैं आपके 250, इतने शेयर इशू करोगे एक्सचेंज रेशो मिसिंग है उसके शेयर्स हैं 125 एंड इट शुड बी इक्वल टू, तो आपने जो ई पी एस कैलकुलेट की थी पहले इसकी बिफोर मर्जर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू 2 रुपीज, तो ये आपकी 2 रुपये के इक्वल होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 625,000 इक्वल टू 2 × 250 5 लाख प्लस 250 एक्सचेंज रेशो, जिससे आपकी एक्सचेंज रेशो आ जाएगी जिस मायने जिस 5 लाख 1.25 डिवाइडेड बाई 2,50,000, तो आपकी एक्सचेंज रेशो होनी चाहिए 0.5 रेशो, क्योंकि जब इस केस में मैक्सिमम हम शेयर इशू कर रखे हैं 0.5 फॉर एवरी 1 शेयर। नेक्स्ट लेकर सी प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें देखिए आपको क्या क्या मेंशन किया है। एम लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर एन लिमिटेड बाय मर्जर एंड फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो एम और एन गो कंपनीज हैं, उनके नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हैं, मार्केट वैल्यू पर शेयर ही गिवन, तो क्या क्या ड्रॉ करते हैं पहले क्या क्या गिवन फॉर एम कंपनी एंड एन कंपनी। सबसे पहले देखो आपको मेंशन किया है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच आर ऑल्सो गिनोटी जाएगी एन ई, नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख एंड 6 लाख। नेक्स्ट आपको लिए अर्निंग आफ्टर टैक्स, वी कैन ऑल्सो राइट ई ए की अर्निंग आफ्टर टैक्स ये है आपके रुपीज में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 लाख एंड 18 लाख किसी के 50 लाख एंड 18 लाख। फिर आपको मैंशन किया है मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर किसी गिवन 42 एंड 28। अब आपको कुछ आइटम्स कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 गैर आसमी बाकी प्रेजेंट ई पी एस ऑफ बोर्ड ऑफ कंपनीज, तो पहले कैलकुलेट करके बाकी प्रेजेंट ई पी एस उसका एक फार्मूला बन जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग्स है आपकी 50 लाख ऑफ एम कंपनी डिवाइड कर लीजिए इसके नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख किसी कमिंग 5 रुपीज प्रेजेंट ई पी एस, और एन की अर्निंग्स हैं 18 लाख डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर आ रहे 6 लाख, सो अर्निंग होगी 3 रुपीज। नेक्स्ट गेयर आसमें इफ द प्रपोज मर्जर टेक्स प्लेस बाई एक्सचेंज इक्विटी शेयर एंड एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस वट विल बी न्यू ई पी एस फॉर एम लिमिटेड। अब एक्सचेंज रेशियो आपने फिक्स करनी है मार्केट प्राइस के बेस पर सेकेंड, अब कैलकुलेट कीजिए आप एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन
मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो सेकंड जब आपको एक्सचेंज रेट को फिक्स करनी है बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, इसका एक फार्मूला है प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी बिकी हुई एन कंपनी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्वायरिंग कंपनी बिकी हुई एम। तो मार्केट प्राइस दिया है आपको 28/42, इतनी एक्सचेंज रेशो आ जाएगी आपकी, जैसे 28/42 जिसे कमिंग 0.6667, तो 7 से आप कर लीजिए कैंसिल और 14 से कैंसिल हो रहा है जिसे 2/3, इट मीन्स फॉर एवरी वन शेयर वी विल इशू 2/3 शेयर। नाउ यू आर आस्किंग व्हाट विल बी न्यू ईपीएस, तो इफ एक्सचेंज रेशियो गेस व्हाट विल बी ईपीएस आफ्टर मर्जर, तो ईपीएस आप कैलकुलेट कीजिए एम और एन पी, जिसका फॉर्मूला है अर्निंग्स आ जाएंगी आफ्टर टैक्स ऑफ एम प्लस अर्निंग्स ऑफ एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ एम प्लस एक्सचेंज रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ एन। अर्निंग्स है 50 + 18 = 68 लाख, दोनों की एड हो जाएंगी। नंबर ऑफ शेयर्स आर 10 लाख, सो प्लस 2/3 और उसके शेयर्स हैं आपके 6 लाख, जिसे बिकमिंग 68 लाख डिवाइडेड बाई 2/3 जिसे 14 लाख, सो दिस विल बी पोस्ट मर्जर ई पी एस 68/14 4.857, ये आपकी आगे रुपी अर्निंग पर शेयर आफ्टर मर्जर। तो थर्ड पॉइंट कह रहा हूँ वट शुड बी एक्सचेंज रेशो इफ एन लिमिटेड वांस टू श्योर गया था अर्निंग्स अवेलेबल को इससे शेयर हो गया वो कि नॉट बी डिमिनिश बाय द मर्जर। अब आपको निकालना है कि एक्सचेंज रेशो कितनी होनी चाहिए, कि अब जो अर्निंग्स है ना आपकी एन लिमिटेड की वो आपकी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसका नाम था ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशो। इतने सब थर्ड पॉइंट है जिनको आपको कैलकुलेट करना है, बट शुड बी एक्सचेंज रेशो ये आपकी मिसिंग है। सो क्या कि जो अर्निंग्स हैं एन कंपनी की वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, तो इट मीन्स अब इसको में मिलेगी पोस्ट मर्जर ई पी एस वो आपकी सेम होनी चाहिए जो इसकी प्री मर्जर ई पी एस है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो पोस्ट मर्जर ई पी एस है, पोस्ट मर्जर ई पी एस ऑफ एन कंपनी शुड बी इक्वल टू प्री मर्जर ई पी एस ऑफ एन कंपनी। तो जो कोई ई पी एस आपने कैलकुलेट की थी प्री मर्जर अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर एम की 5, 18/6, इसकी 3। अब पोस्ट मर्जर ई पी एस क्या होती है, एन कंपनी जो टारगेट कंपनी होती है वो होती है इक्विवेलेंट ई पी एस, इट मीन्स पोस्ट मर्जर ई पी एस ऑफ एन कंपनी की इक्विवेलेंट ई पी एस ये होनी चाहिए ई पी एस ऑफ एन कंपनी विच इज बिफोर मर्जर। अब इसका फार्मूला बनाते हैं, इसका फार्मूला है ई पी एस आफ्टर मर्जर, उसका फार्मूला है दोनों की अर्निंग्स ऐड होंगी पहले 68 लाख, उसको डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर ऑफ एम 10 लाख प्लस एक्सचेंज रेशो आपकी मिसिंग है इनको नंबर ऑफ शेयर ऑफ एन 6 लाख, ये आ गई देखो आपकी पोस्ट मर्जर ई पी एस। अब इसको बनाओ इक्विवेलेंट, इसका फार्मूला था इनको कर दो एक्सचेंज रेशो एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्री मर्जर ई पी एस एन की है 3 रुपीज, तो लैक्स आपके कैंसिल भी हो सकते हैं, 6 लाख है, 10 लाख, 1 लाख कॉमन आ गया उससे कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 68 एक्सचेंज रेशो। अब नीचे आ जाएगा आपका जिसे जो 10+6 एक्सचेंज रेशो ये जो ग्रेटर है इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 68 एक्सचेंज रेशो ग्रेटर इक्वल टू 30+18 एक्सचेंज रेशो, ये कर या फिर माइनस हो जाएगा, तो इट मीन्स 50 एक्सचेंज रेशो ये जो ग्रेटर कैन इक्वल टू 30, तो आपका आंसर आ गया कि जो एक्सचेंज रेशो है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 50 will go here 3:5 3:5, उसमें सर टारगेट फर्म के लिए कम से कम इतनी रेशो आपकी होनी चाहिए देखिए आल्सो इक्वल टू 0.26। तो नेक्स्ट गेयर आस्किंग वट शुड बी एक्सचेंज रेशो इफ एन लिमिटेड वांस को भी श्योर गया कि मार्केट प्राइस पर शेयर कुछ से शेयर हो गया विल नॉट बी डिमिनिश बाय द मर्जर। अब आपको एक्सचेंज रेशो कैलकुलेट करनी है कि मार्केट प्राइस के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें यह हो क्या आपकी फार्मूला बन जाएगा फोर्थ पॉइंट में जिसे 4 एक्सचेंज रेशो मिसिंग है। अब आपको लेना है पोस्ट मर्जर एम पी एस, मार्केट प्राइस ऑफ एन शुड बी प्री मर्जर एम पी एस, एम पी एस यही रखा है प्री मर्जर 21, तो उसका फार्मूला है पोस्ट मर्जर एम पी एस होता है इक्विवेलेंट एम पी एस, इक्विवेलेंट एम पी एस इट शुड बी इक्वल टू प्री मर्जर एम पी एस, उसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपको। अब ये देखो आपकी आपकी प्रॉफिट को गिराई क्या नंबर ऑफ शेयर ये बन गई ई पी एस, इसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट प्राइस हमने लेना है आपको मर्जर मल्टीप्लाई कीजिए प्राइस अर्निंग रेशो ऑफ एम, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए अब प्राइस अर्निंग रेशो
नहीं, रेशो कितनी है एम की, इसका फार्मूला है एम पी एस अपॉन ई पी एस। देखो एम पी एस है इसका 42 बाई 5 है इसकी ई पी एस, तो किसी को नहीं करो प्राइस अर्निंग रेशियो 42 डिवाइडेड बाई 5 8.4। नंबर फिर ये मार्केट प्राइस, ये आ गया ई पी एस, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अब प्राइस अर्निंग रेशियो से, इनको किया आपने 8.4, ये बन गया आपका मार्केट प्राइस आफ्टर मर्जर, उसको मल्टीप्लाई किया हमने एक्सचेंज रेशियो से, ये बन गया इक्विवेलेंट, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो इसका प्राइस है बिफोर मर्जर 28। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो आप देखेंगे इसमें 1 लाख, 1 लाख को कैंसिल हो गया 68 इंटू ईयर, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है 8.4 से डिवाइडेड बाय, जैसे कि 10 प्लस 6 ईयर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 28, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कमी 68 इंटू 8.4 571.2 एक्सचेंज रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 280 प्लस 6 इंटू 28 168 एक्सचेंज रेशियो, ये माइनस हो जाएगी 571.2 माइनस 168 जिसे कमी 403.2 एक्सचेंज रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 280, उसको सोल्व करके आपकी एक्सचेंज रेशियो आ जाएगी जिस भी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 280 डिवाइडेड बाय 403.2.694, तो ये आपकी एक्सचेंज रेशो होनी चाहिए। सो क्या कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपको मर्जर की नोट अफेक्टिव है, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशो, ये थी हमारी बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, और जो थर्ड पार्ट में हमने की थी वो थी ब्रेक इवन एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन ई पी एस। इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की मर्जर की, पर यह प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।